किसी जमाने में उसकी तुलना दुनिया भर में मशहूर स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती थी, मगर आज मुंबई पुलिस का एक कमिश्नर, एक जॉइंट कमिश्नर और कई पुलिस अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अपराध स्टैम्प पेपर घोटाले में उनकी भूमिका, ये कहना मुश्किल है कि उन्हें राजनीतिक शह किसने दी, पर मुंबई के एक वरिष्ठ मंत्री के बारे में अटकलें लगाई जा चुकी है। मुंबई के ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक आज पुलिस फोर्स से छिपते फिर रहे हैं। किसी समय मुंबई पुलिस की आंखों का तारा रहे नायक आज उसी की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। अपराध आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति, उन्हें आपराधिक शह किसने दी ये बता पाना मुश्किल है, पर उंगलियां एक बार फिर एक मंत्री की तरफ ही उठ रही हैं। मुंबई से बाहर निकले तो दिल्ली की एक पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या के आरोप में आईपीएस ऑफिसर आरके शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आरके शर्मा की पत्नी ने सीधे पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रमोद महाजन पर भी हत्या में लिप्त होने का आरोप जड़ दिया। सालों तक कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस चंदन चोर वीरप्पन पर हाथ नहीं डाल पाई। दोनों राज्यों के पुलिस पर पैसे लेकर आंख मूंद लेने के आरोप लगते रहे और वीरप्पन की गिरफ्तारी की मुहिम तब तेज हुई जब कांग्रेस और भाजपा से कटी जयललिता ने अपनी कार्य क्षमता दिखाने की जरूरत समझी। कई राज्यों में तो राजनेताओं को भारी रकम देकर अपनी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर करवाना आज कई पुलिस अफसरों की आदत में शुमार हो गया है। पुलिस फोर्स में बढ़ते भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखलअंदाजी के चलते पुलिस कर्मियों के कमजोर पड़ते मूल्यों का आखिर जिम्मेदार कौन?